Very good morning, dear students. In last video, we have discussed about the basis of classification. Classification के basis का discussion किए थे और उस basis के आधार पे five kingdoms का चर्चा हम लोग किए थे, है ना? और वो five kingdoms थे Monera, Protista, Animalia, Plantae and Fungus. अरे अब हम लोग वन बाय वन सारे किंगडम्स के बेसिक प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे. अगर हम लोग किसी किंगडम के प्रॉपर्टीज का बात कर रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल एनिमेलिया का बात कर रहे हैं, तो एनिमेलिया में हम लोग खुद के बारे में नहीं लिखेंगे. एनिमेलिया में उन प्रॉपर्टीज का चर्चा किया जाएगा जो सारे एनिमल्स में कॉमन. प्लांटी के बारे में अगर आता तो सिर्फ किसी एक प्लांट के बारे में जो हम लोग देख रहे हो, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, बनियान ट्री हो गया, किसी एक प्लांट के बारे में हम लोग नहीं लिखेंगे. हम लोग उन सारे प्रॉपर्टीज का चर्चा करेंगे जो सारे प्लांट्स में कॉमन हो. समझ में आ रही है बात? यानी कि जो हम लोग किसी किंगडम का, किसी ग्रुप का, किसी टैक्सोनॉमिक हायरार्की का बात कर रहे हो, तो उसमें से उन पॉइंट का चर्चा करेंगे, उन बातों का डिस्कशन करेंगे, उन पॉइंट्स को समझेंगे जो कॉमन पार्टिकुलर नहीं है. क्लियर? तो एक और पॉइंट है कि इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई किए हैं? क्या हमारे क्लासिफिकेशन के आधार पे इवोल्यूशन हुआ है या इवोल्यूशन के आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन किए? क्लियर? तो एक्चुअली इवोल्यूशन पहले हो चुका था और हम लोग उसको उसी बेसिस पे धीरे धीरे क्लासिफाई करना सीखे, धीरे धीरे क्लासिफाई किए. इवोल्यूशन है क्या? व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन पे सबसे बढ़िया डिस्कशन चार्ल्स डार्विन का क्या हुआ था, जो हम लोग क्लास 10 में चल के पढ़ेंगे उनके बारे में. तो वो एक लायर बोले थे इवोल्यूशन को लेकर के, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन. कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज, कोई भी थिंग और डिसेंट होता चला जाए मॉडिफिकेशन के थ्रू, बदलाव के थ्रू. कुछ ऐसा बदलाव हो जो उसे पहले से बेहतर बना दे, दैट इज द इवोल्यूशन. क्लियर? तो जो फाइव किंगडम्स बनाए गए हैं, तो इन फाइव किंगडम्स में भी हम लोग देखेंगे कि जो मोनेरा था, मोनेरा से कुछ बेहतर प्रोटिस्ट हुए, प्रोटिस्टा से बेहतर फंगस, उससे बेहतर प्लांटी और सबसे बेहतर एनिमेलिया. ठीक है, एनिमेलिया में भी सबसे इवॉल्व है ह्यूमन बींग. क्लियर? यानी कि इस धरती पे मोनेरंस के आने के बाद से इवोल्यूशन शुरू होता है और वो इवोल्यूशन अभी भी कॉन्टिन्यूस, अभी भी वो इवोल्यूशन जारी है. ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हो रहा है, हर कोई प्रीवियस से बेहतर बेटर बनने का कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश में धीरे धीरे मोनेरंस, जो कि एकदम से प्रिमिटिव थे, आज वो इवॉल्व होकर बन चुके हैं ह्यूमन बींग. अब बोलिए कि जो मोनेरंस थे, बैक्टीरिया थे, वही इवॉल्व होकर ह्यूमन बन चुका है क्या? तो आज के बैक्टीरिया इवॉल्व होकर आदमी क्यों नहीं बन जाते, ये डिस्कशन लोग क्लास 10 में चल के करेंगे. अभी थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं. ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ से. तो लाइफ का ओरिजिन इस अर्थ पे लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था. लाइफ इज ओरिजिनेटेड अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो एट द बॉटम ऑफ ओशन. स्पॉन्टेनियसली ये काम हुआ था. क्लियर? इसके ऊपर एक टॉपिक हम लोग बनाएंगे, अभी क्लास 10 में पढ़ेंगे हम लोग. अभी इतने ही पॉइंट को याद रखना है कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन एट द बॉटम ऑफ ओशन अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो इन वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म. क्लियर? काफी सिंपल फॉर्म में हुआ था और वो धीरे धीरे इवॉल्व होता चला गया. जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता चला गया, वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले गए. ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता चला गया उसका सिस्टम,
और आसान होता चला गया उसका काम करने का तरीका। क्लियर? कैसे? इसी का कंपेरेटिव स्टडी करते हुए हम लोग डिफरेंट किंगडम का चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। शुरुआत करते हैं द फर्स्ट किंगडम से, दैट इज द मोनेरा। और ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, इट इज गिवन बाय आर एच विटेकर। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, वही आर एच विटेकर किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किए थे, शुरुआत वहीं से करेंगे। कुछ पॉइंट का डिस्कशन सब में करना है जो कि कॉमन पॉइंट्स है ना। वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि कॉमन पॉइंट क्या है जिसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं बार बार, और इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोग को याद रखने का। क्लियर? तो मोनेरा, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड अंडर दिस किंगडम? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनेरा। मोनेरा में उस ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोटिक थे। वे आर वेरी फेमिलियर विद द वर्ड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मींस, या प्रोकैरियोटिक सेल मींस, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मींस द ऑर्गेनिज्म और द सेल विच लैक ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। यानी कि वैसा सेल, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं हो और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी ना हो। अगर ये बात है तो जितने भी तरह का लिविंग एक्टिविटीज है, यानी कि जिंदा रहने के लिए जो भी काम करना पड़ता है, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रिप्रोडक्शन, ये सारा चीज एक ही सेल या एक ही कंपार्टमेंट के अंदर होगा। सेल में हम लोग पढ़े थे कि हर एक काम को करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बनाया गया है, जिसे सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। अगर वो सेल ऑर्गेनेल ना हो तो प्रोकैरियोटिक सेल को, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सारा फंक्शन उसी साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में ही करना पड़ जाता है। क्लियर? वो काम करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो एंजाइम वहीं प्रेजेंट होंगे, कुछ उसके सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। क्लियर? दिस द बेसिक डिजाइन ऑफ किंगडम मोनेरा। उसमें सारे ऑर्गेनिज्म इसी प्रकार के होते हैं। अब इस मोनेरा ग्रुप को, मोनेरा किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, दोनों वर्ड में बैक्टीरिया लगा हुआ है। यानी कि जितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं, दे ऑल बिलोंग टू विच किंगडम? मोनेरा। आर्की मींस प्रिमिटिव, तो एकदम से प्रिमिटिव मतलब एकदम से शुरुआत वाले बैक्टीरिया को, द फर्स्ट बैक्टीरिया को प्लेस किया गया एक ग्रुप बना करके, जिसका नाम रख दिया गया आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आर मोस्टली कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइजेस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ सम केमिकल्स। ऑटोट्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल करता हो, सनलाइट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता हो, उसका यूटिलाइज करके अपना खाना बनाता हो, उसको फोटोट्रॉप्स बोलते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स। क्लियर? लेकिन ये काम करने के लिए उनके पास क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। अब आर्की बैक्टीरिया में बात किए हैं कि इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते नहीं है ना, तो अभी ये सनलाइट को ट्रैप करना सीखा नहीं, ये दूसरे प्रकार से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन अक्वायर कर लिया था। एंड दे लर्न टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ सम केमिकल्स, किसी केमिकल के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो बॉन्ड को ब्रेक करने से कुछ एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो बैक्टीरिया अपना फूड सिंथेसाइज कर लेता था। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को, इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया आर मोस्टली कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स मीन्स दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम स्लाइम कंडीशन, एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन, एक्सट्रीम बेसिक कंडीशन, ठीक है, इन सारे कंडीशंस में वो सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप है यू बैक्टीरिया।
यू मीन्स ट्रू, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, जिसे आजकल हम लोग सिर्फ बैक्टीरिया भी बोलते हैं। यानी कि अगर बैक्टीरिया बोल रहे हो कि ये बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया है, तो किस बैक्टीरिया का बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में दो पॉइंट तो पहले से हम लोग जान रहे हैं। इसके ऊपर भी सेल वॉल होता है, और वो सेल वॉल बना हुआ होता है पेप्टिडो ग्लाइकैन का। क्लियर, एक पॉइंट ऐसे याद है हम लोग। प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, दो पॉइंट और याद हो गया हम लोगों को। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, पारासिटिक भी हो सकता है, और सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है, तीनों प्रकार का। अब बोलेंगे एक ही ऑर्गेनिज्म तीनों काम करेगा क्या? तो नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया सैप्रोफाइटिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया पारासिटिक होते हैं। क्लियर, कैसे ये रिप्रोड्यूस करेगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा? तो इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन। एक सेल है वो दो भागों में बट गया, एकदम सिंपल वाला। क्लियर, कहां ये सरवाइव कर सकते हैं, हैबिटेट इसका क्या होगा? तो दे कैन सरवाइव इन ऑलमोस्ट ऑल नोन हैबिटेट। ठीक है, चाहे एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, एरियल हो, आउटसाइड द बॉडी हो, इनसाइड द बॉडी हो, जितने भी नोन हैबिटेट हैं ये सभी जगहों पे रह सकते हैं। ठीक, इस बैक्टीरिया को भी क्लासिफाई किया गया, ट्रू बैक्टीरिया को भी क्लासिफाई किया गया। तो क्लासिफाई करने के लिए एक स्टेन जिसे डेवलप किए थे क्रिश्चियन ग्राम, और उस स्टेन का नाम है ग्राम स्टेन। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि अगर उनके ऊपर ग्राम स्टेन पोर किया जाए, स्टेनिंग की जाए, तो उस ग्राम स्टेन को रिटेन कर लेते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ग्राम स्टेन को रिटेन नहीं करते, कितना भी उनको स्टेन किया जाए तो ग्राम स्टेन उनके बॉडी से बाहर निकल जाता है, दे डिड नॉट रिटेन द ग्राम स्टेन। तो वैसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को रिटेन कर लिए, दे आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और वैसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को रिटेन नहीं किए, दे आर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो स्टेनिंग बिहेवियर के आधार पे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हम लोग याद रखेंगे। स्टेनिंग बिहेवियर यानी कि वो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव होगा, इट डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल। ठीक है, उसके सेल वॉल किस प्रकार से बने हुए हैं, इसके आधार पे ही वो ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम निगेटिव होगा ये पता चलता है। क्लियर, तो यही सब क्वेश्चन होते हैं जो मोनेरन से पूछे जाते हैं। एक और क्लास 8 में ही पढ़ के आए होंगे, प्रीवियस क्लास में ही पढ़ के आए होंगे, टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के आधार पे ही बैक्टीरिया का नामकरण किया गया, नाम रखा गया। जैसे कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप का होता है, रॉड शेप के बैक्टीरिया को बैसिलस बोलते हैं। कुछ स्फेरिकल होता है उसको हम लोग कोकस बोलते हैं, कुछ स्पाइरल शेप का होता है जिसको स्पाइरिलम बोलते हैं, और कुछ बैक्टीरिया कॉमा शेप का भी होता है, और कॉमा शेप के बैक्टीरिया का हम लोग नाम रखे थे विब्रियो। तो ये चार प्रकार के बैक्टीरिया हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। क्लियर, बैसिलस, कोकस, स्पाइरिलम एंड विब्रियो। तो इतना कुछ हो गया किंगडम मोनेरम। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द किंगडम प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा में एक डिफरेंस और एक सिमिलरिटी। क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है? वी ऑलवेज स्टडी दिस क्लासिफिकेशन और दिस किंगडम बाय कंपैरेटिव स्टडी। कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि वो पहले से बेहतर हुआ है या नहीं, और हुआ है तो कितना हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियस वाला याद हो तो अगला वाले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे तो नेक्स्ट हो गया, इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे तो और नेक्स्ट हो गया। इस प्रकार से हम लोग कंपेरेटिव स्टडी करते हुए पूरे डाइवर्सिटी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर, दिस इज द बेसिक आइडिया। तो आते हैं प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में जो सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी ये है कि बोथ आर यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर, मोनेरा भी यूनिसेलुलर है। तो डिफरेंस क्या है भाई? तो मोनेरा
प्रोकैरियोटिक है और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक। समझ में आई बात? दोनों यूनिसेलुलर हैं, ये हो गई दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज। बट मोनेरन्स आर प्रोकैरियोटिक व्हाइल प्रोटिस्ट्स आर यूकैरियोटिक, दिस इज द डिफरेंस। अब इसी डिफरेंस के कारण अब आगे समझते हैं कि कैसे उसका काम कुछ आसान हो जाता है। चूंकि प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी है और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं, तो अगर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स बन चुके हैं तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट उसके अंदर हो चुका है। अब बोलिए ये इवोल्यूशन है या नहीं? जहां मोनेरा में सारा काम एक ही कंपार्टमेंट में हो रहा था, अब प्रोटिस्टा में हर एक काम को करने के लिए कंपार्टमेंट अलग अलग कर दिया गया है। इट इज इवोल्यूशन और नॉट? ठीक है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक बड़ा सा हॉल हो और उसी बड़े से हॉल में खाना भी बना रहे हो, पढ़ भी रहे हो, सो भी रहे हो, यानी कि किचन भी है और बेडरूम भी है, स्टडी रूम भी है, कॉमन रूम भी है, वहीं पे टीवी लगा दिए हैं, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है? या फिर उसी बड़े से हॉल को हम लोग छोटे से कंपार्टमेंट बांट दें और किचन सेपरेट कर दें, स्टडी रूम सेपरेट कर दें, इंटरटेनमेंट रूम सेपरेट कर दें और बेडरूम सेपरेट कर दें, तब ज्यादा आसान है ना, ज्यादा इवॉल्व है ना? इन सेम वे जो प्रोकैरियोटिक थे, मोनेरन्स थे, उनसे कहीं बेहतर कौन हो गए? प्रोटिस्टा हो गए, क्योंकि उनके अंदर कंपार्टमेंट बनना शुरू हो चुका था और न्यूक्लियस भी पाया जा रहा था। क्लियर? तो प्रोटिस्टा में किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को रखेंगे? तो ऑल द यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, चलिए अब इसमें और एक दो पॉइंट हम लोग देखेंगे कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है ट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, सभी प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें भी देखने को मिल सकता है। हैबिटेट क्या होगा? तो हैबिटेट अब देखिए, जहां पे मोनेरन्स सभी जगह रह सकते थे, अब प्रोटिस्ट दे आर द मोस्टली एक्वेटिक, ठीक है, उनको रहने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, पानी में ही वो रह सकते हैं। प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो उनको रहने के लिए पानी चाहिए। अब पानी एकदम से भरपूर कोई जरूरत नहीं, लेकिन वाटरी मीडियम उनको होना चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है, प्रोटिस्ट जो है इनके लोकोमोशन के, इनके बॉडी के ऊपर सीलिया हो सकता है, फ्लैजिला हो सकता है या फिर स्यूडोपोडिया हो सकता है। पारामिशियम एक एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा का, जिसके पूरे बॉडी सरफेस के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, विच इज नोन एज सीलिया एंड दे हेल्प इन देयर मूवमेंट। ठीक है, युगलिना ये भी एक प्रोटिस्ट है, एक उदाहरण का बात कर रहे हैं हम लोग। युगलिना भी एक प्रोटिस्ट है जिसमें मूवमेंट के लिए एक इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, न्यूमरस हेयर लाइक हो तो सीलिया और एक ही काफी लंबा सा हो तो उसको बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, और फ्लैजिला को बीट करते हुए, झटका देते हुए मूव करने का कोशिश करता है तो उसका लोकोमोटरी ऑर्गेन हो गया। स्यूडोपोडिया ये होता है अमीबा, क्लियर, अमीबा जिसका शेप फिक्स नहीं होता, गॉट इट, शेप फिक्स नहीं होता है तो अपने सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंट शेप में ढालते रहता है। ठीक है, तो उसी क्रम में वो बनाता है स्यूडोपोडिया, दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, क्लियर, और वो स्यूडोपोडिया दो काम करता है, फीडिंग के साथ साथ वो लोकोमोटरी ऑर्गेन या लोकोमोटरी ऑर्गेन के साथ साथ वो फीडिंग में भी हेल्प करता है। इसका दोनों फंक्शन हो गया, लोकोमोशन एंड फीडिंग, यानी कि चलने में भी हेल्प करता है और खाना खाने में भी हेल्प करता है, चलने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्यूडोपोडिया। स्यूडो मींस फॉल्स और पोडिया मींस फिट, यानी कि नकली पैर है अमीबा का वो, क्लियर, और उसी की मदद से वो खाने का भी काम करता है। क्लास 7 में पढ़ेंगे इसके बारे में, क्लियर, फिर क्लास 10 में डिस्कशन करना है। तो ये हो गया प्रोटिस्टा। समझ में आई बात? तो आज हम लोग डिस्कशन किए किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा।
थोड़ा सा फंगस है तो फंगस भी हम लोग समझ ही लेते हैं, तो आज तीन किंगडम हम लोग क्लियर हो जाएगा। फंगस क्या होते हैं तो दो तीन पॉइंट जो हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से ही लेकर के आ सकते हैं, है ना। तो दे आर द यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइटिक। ये चार पॉइंट आ गया ना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। दे आर द यूकैरियोटिक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैविंग मोड सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइटिक। ये चार पॉइंट तो ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे फंगस के बारे में, है ना। एंड वेरी फेमिलियर विद फंगस, कुछ फंगस यूनिसेलर भी हैं, कुछ फंगस मल्टी सेलर भी हैं, कुछ फंगस एडेबल भी हैं, खाते भी हम लोग, जैसे कि मशरूम। कुछ फंगस ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं, जैसे कि ईस्ट। ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है बेकरी इंडस्ट्रीज में, अल्कोहल इंडस्ट्रीज में। और कुछ फंगस ऐसे भी हैं जो हम लोगों को बीमार बना देते हैं, यानी कि पैरासिटिक, ठीक है। एक्चुअली उसे प्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, है ना, बट दे कैन काउज डिजीज। मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीजेज आर काउज्ड बाई फंगस। अगर प्लांट डिजीज का चर्चा हम लोग करेंगे तो वहां पे जितने भी प्रकार के डिजीज के बारे में पढ़ेंगे उसमें से मैक्सिमम 90% प्लांट डिजीज इज काउज्ड बाई फंगस। एनिमल्स का बात किया जाए तो हम लोगों में मोस्ट ऑफ द स्किन डिजीज इज काउज्ड बाई फंगस। स्किन डिजीज जितने भी होते हैं दे आर काउज्ड बाई फंगस। इसके अलावा और भी डिजीज है जो फंगस काउज करता है, ठीक है। तो इतना वो बात हुआ जो हम लोग जानते हैं पहले से, इतना आइडिया सबके पास, तो क्यों ना उन बातों को चर्चा करें जो पहले से हम लोग जान रहे हैं, ताकि हमारा टॉपिक और ज्यादा आसान। अब एक दो पॉइंट वो पढ़ लेंगे जो एडिशनल, जैसे इसका हैबिटेट कहाँ रहेगा। तो दे जनरली सर्वाइव इन ह्यूमिड एंड टेम्परेट रीजन, यानी कि थोड़ा सा मॉइस्चर हो, थोड़ा सा गर्मी हो, तो वहां पर ये काफी आसानी से उगाते हैं, ठीक है। सिंस दे आर सैप्रोफाइटिक, तो जहां कभी इनको डेड चीज मिल जाता हो वहां पर ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, डेड एंड डिकिंग मैटर पे तेजी से ग्रो करते हैं, क्लियर। इनके ऊपर, इनके सेल के ऊपर सेल वॉल होता है जो कि कैटिन का बना हुआ होता है, तो काफी पहले से हम लोग जानते आ रहे हैं। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बात किया है तो ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। अगर मल्टी सेलर का बात किया जाए तो मल्टी सेलर में उनकी बॉडी में कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइफी। ये एक वर्ड है जो पूछा जाता है, व्हाट इज हाइफी, सो इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फंगस। उसी हाइफी के क्लस्टर, बहुत सारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो तो उसको बोला जाता है माइसीलियम, क्लियर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा फंगस में, तो फंगस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो सकता है, बट दे बेसिकली रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। स्पोर ही जो वो बनाता है वही स्पोर सेक्सुअल भी हो सकता है और वो स्पोर एसेक्सुअल भी हो सकता है, क्लियर। तो दे आर द स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड दे ऑलवेज रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। रिस्पायरेशन किस प्रकार का करता है, तो एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार का रिस्पायरेशन इसमें भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगस, इन सभी में रिस्पायरेशन एरोबिक एनारोबिक दोनों लिखेंगे। इन सभी में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों लिखेंगे, क्लियर। सो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स ऑफ थ्री किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगस। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द किंगडम प्लांट। सो टेक केयर।